हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी बातों में। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट के स्कैम 2021 के बारे में। बेसिकली फ्लिपकार्ट ने अभी एक अपना एक नया स्मार्ट पैक लॉन्च किया है, जिसको वो स्मार्ट बोल रहा है। लोग उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं, लोगों को लग रहा है उनको फ़ायदा हो रहा है उस पैक को खरीद के। आखिरकार क्या है वो स्मार्ट पैक, क्यों हमें वो पैक नहीं खरीदना चाहिए, वो सारी डिटेल में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए समझते हैं फ्लिपकार्ट का स्मार्ट पैक है क्या। तो फ्लिपकार्ट का स्मार्ट पैक कहता है कि आपको फ़ोन खरीदो 6000 से 17000 के बीच में, और उस फ़ोन के साथ आप हमारी कुछ सर्विसेज यूज़ करो। जो सर्विसेज हम स्मार्ट पैक के अंदर इंक्लूड करके दे रहे हैं, आप हमें सर्विसेज का पैसा दो, फ़ोन आप चलाओ, 12 या फिर 18 महीने बाद आप हमें वो फ़ोन वापस कर दो और आपका जो फ़ोन का पैसा है वो आपको वापस, जितना भी पैसा आपको फ़ोन का है वो वापस कर देगा। अगर आप अपने फ़ोन का चार्जर और बॉक्स अगर आप इंक्लूड करके देते हो, और उसके साथ साथ बस आप फ़ोन को ऑन करके और उस फ़ोन का IEMI नंबर आप शो कर दो, बस इतना करना है आपको, और आपको फ्लिपकार्ट देगा 100% मनी बैक। सुन के आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार कितना सही है, हर साल हम फ़ोन चेंज कर सकते हैं, हमें अपने फ़ोन की प्राइस वापस मिल जा रही है 12 या 18 महीने बाद, बस हमें कुछ सर्विसेज ही तो यूज़ करनी है स्मार्ट पैक के नाम पे। हम बस उन स्मार्ट पैक की सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं उनके पैसे ही तो दे रहे हैं बस, इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं। हम सर्विसेज का पैसा दे रहे हैं, फ्लिपकार्ट हमें फ़ोन हमें दे रहा है, हम उसको वापस कर देंगे। तो वैसे देखते हैं किस तरीके से आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो फ्लिपकार्ट पे जाके। यहाँ पे मैंने चूज़ कर रखा है एक रियलमी का 7, जिसका प्राइस है 17000। यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल कर गया, मुझे 100% मनी बैक का जो ऑप्शन है वो दिखाई दिया, मैंने उस पर क्लिक किया। 100% मनी बैक का मुझे ऑप्शन दिखाई दिया, जिसमें 1579 मुझे पर मंथ देना है, 80% के लिए 1179 मुझे पर मंथ देना है। दो पैक्स मुझे दिखा। इसके अलावा एक तीसरा वेरिएंट भी मिलता है, जिसमें आपको ब्रॉन्ज लेवल का स्मार्ट पैक मिलता है। ब्रॉन्ज लेवल में आपको 60% मनी बैक गारंटी मिलती है, और उसका जो पर मंथ का जो प्रीमियम है वो भी कम हो जाता है। तो इसी स्मार्ट पैक के अंदर जब आप डिटेल्स में जाओगे तो आपको कुछ सर्विसेज दिखाएगा वो, जो आपको इस स्मार्ट पैक के अंदर यूज़ करने के लिए मिलेंगी। तो ये हैं वो सर्विसेज जो आपको इस स्मार्ट पैक के अंदर मिल रही हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस प्लान को कंटिन्यू करते हो 12 या 18 मंथ्स के लिए, और अगर बीच में आपने इसके जो प्रीमियम्स हैं या फिर जो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान के जो प्राइस हैं वो आपने अगर स्टॉप कर देते हो, सोचते हो कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँ, तो आपका जो मनी अभी तक गया है, पहली चीज़ तो वापस नहीं आने वाला है, जो आपने इन्वेस्ट कर दिया वो गया, और आपको वापस पैसे नहीं मिलने वाले पहली चीज़। तो ये तो थी इस पैक के बारे में सारी जानकारियाँ, कैसे आप इस पैक को अवेल कर सकते हो, क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं, कैसे आप फ्लिपकार्ट की जो 100% मनी बैक पॉलिसी है उसका यूज़ करके कैसे आप फ़ोन को रिटर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तो आपको लोग बता रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं, बड़े बड़े सब इस पैक को जो ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जैसे कि इससे बढ़िया प्लान हो ही नहीं सकता। फ्लिपकार्ट की तरफ से सबसे अच्छा प्लान, जिसको फ़ोन यूज़ करना है, जिसको फ़ोन चेंज करना है, उनके लिए सबसे अच्छा प्लान है, आप बस एक साल यूज़ करो, 18 महीने यूज़ करो और आप फ़ोन को वापस कर दो और आपको मिलेंगे 100% मनी बैक गारंटी। अब इस प्लान में कैच क्या है वो देखते हैं कैलकुलेशंस थोड़ा सा करके। तो गाइज, ये वो सर्विसेज हैं जो फ्लिपकार्ट हमें दे रहा है। तो अगर इन सर्विसेज़ का मैं इंडिविजुअल कैलकुलेशन करूँ, यानी मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू ना लेके इन सारी सर्विसेज़ को इंडिविजुअल ख़रीदता हूँ, तो 12 महीने के लिए अगर मैं सोनी लिव की बात करूँ तो मुझे पड़ती है वो 399 की, और अगर इसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ 18 महीने के अंदर तो मुझे ये सोनी लिव की सर्विस पड़ती है 599 की। ये जो 599 कैलकुलेशन है ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन है, जो 12 महीने की कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट है, उसी को हाफ करके और ऐड करके ये 599 की कैलकुलेशन निकाली गई है। तो एग्जैक्ट जो 18 महीने की कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रॉक्स है। इसी तरीके से आप देखोगे डिज्नी हॉटस्टार वूट सेलेक्ट का जो प्राइस है वो 999 12 महीने के लिए, 1499 18 महीने के लिए, ऐसे वूट सेलेक्ट का 399 और 18 महीने के लिए 599। तो इसी तरीके से अगर मैं इन सारी सर्विसेज का टोटल करूं तो 12 महीने का मुझे प्राइस मिलता है 12341, वहीं पे 18 महीने का मुझे प्राइस मिलता है 18560। ये जो प्राइस है ये अप्रॉक्स है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इस प्राइस के अंदर। तो 18 महीने के लिए अगर आप इन सर्विसेज को इंडिविजुअली लेते हो इनकी साइट पर जाके,
तो आपको मिलेगी कुछ 18,516 के आसपास की वैल्यू, अगर आप सारी सर्विसेज को कंबाइन कर देते हो तो। कैलकुलेट करके देखते हैं कि जो फ्लिपकार्ट हमें दे रहा है इन सारी सर्विसेज को 18 महीने के लिए, वो कितने में दे रहा है। फोन का जो प्राइस है वो है 17,000 के आसपास। तो अगर आप स्मार्ट पैक फ्लिपकार्ट का बाई करते हो तो आपको पर मंथली जो ये पैक है वो पड़ेगा 1579 का, यानी 18 महीने तक आपको 1579 देने पड़ेंगे। अगर आप उसको 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो 28,422 रुपये आपके निकल के आते हैं। समझ रहे हो आप, 18,000 की सर्विसेज के लिए आपने 28,000 दे दिए, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, प्लस आपने 17,000 का फ़ोन ख़रीदा, यानी 17,000 का फ़ोन 28,000 आपने सर्विसेज के दिए, अप्रॉक्स 45,000 आपने एक्स्ट्रा दे दिए सिर्फ और सिर्फ 17,000 के फ़ोन के लिए। और अगर आप कैलकुलेट करो तो 10,000 उसने यहाँ से ले लिए, और 18 महीने बाद अब जब आप सेकेंड हैंड बेचोगे इस फ़ोन को तो 5,000 से 7,000 का तो ये फ़ोन बिक जाएगा आराम से। तो यानी 10,000 ये 5 से 7, 18 महीने बाद यानी 15 से 17 हज़ार रुपये तो उसके आपके पास है ही, जो वो वापस कर रहा है 18 महीने बाद। प्लस जब वो ये सारी सर्विसेज खरीदेगा बंडल में तो हमें तो 1500 रुपये पर मंथ दे रहा है वो, लेकिन उसको पड़ेंगे 1000 रुपये पर मंथ। तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नुकसान किसका, आपका, कट किसका रहा है, आपका। तो इस पैक का नाम स्मार्ट पैक ना रख के चूतिया पैक रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हो क्या रहा है, आपको चूतिया बना रही है फ्लिपकार्ट, और आप लोग खरीद रहे हो बड़े इजीली, बड़े मस्त खुश होके कि भाई हमें तो मज़ा आ जाएगा, 1.5 साल बाद हम अपना फ़ोन चेंज कर लेंगे। कुछ नहीं हो रहा, आपको कट रहा है बस। ऐसी टट्टी सर्विसेज के पैसे दे रहे हो आप जो आप यूज़ भी नहीं करने वाले, ऐसी सर्विसेज जो कोई भी यूज़ ना करे। एक बार को नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ऐसी चीज़ों के सब्सक्रिप्शन देता तो समझ में आता। ऐसी चीज़ें जैसे वूट किड्स और ऐसी सर्विसेज जिनको कोई यूज़ भी नहीं करने वाला। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ सर्विसेज का पैसा दे रहे हो, आप सिर्फ सर्विसेज यूज़ करके आपको जो पैसा है वो वसूल हो जाएगा और आप 18 महीने बाद फ़ोन वापस कर लोगे और पैसा वापस ले लोगे, तो आप गलत सोच रहे हो। और अगर ये वीडियो देख के अगर आप भी थोड़ा सा स्मार्ट हो गए हो तो इस पैक को बिल्कुल ना खरीदें, ये सिर्फ और सिर्फ पागल बना रही है फ्लिपकार्ट, इसके सिवाय कुछ नहीं कर रही है। ये वीडियो बस जनहित में जा रही थी, आपको बताना था कि आप ये पैक ना खरीदें, आप जो फ्लिपकार्ट के जो झांसा है उसके अंदर ना आ जाएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।